मेरे पास तहरीक लब्बैक के दो किस्म के वीडियो हैं। एक वीडियो में उनके रहनुमा मुजाहिरीन को पुलिस पर हमले से मना कर रहे हैं, जबकि एक दूसरे वीडियो में मुजाहिरीन लोगों की गाड़ियां तोड़ते नजर आते हैं। इससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या मना करना सिर्फ सियासी हिकमत अमली थी और अमल कुछ और। अब आप ये वीडियो देखें जिसमें तहरीक के रहनुमा तशद्दुद से मना करते नजर आते हैं। ओ भाई एजेंसी वाले मार रहे हैं, आप लोग नहीं मार रहा, किसी पुलिस वाले को नहीं मारना है, हम पुरतशद्दुद लोग नहीं है। एजेंसी वाले मार रहे हैं उनको भी पकड़ो, जो मार रहे हैं उसको भी पकड़ो। किसी पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठना चाहिए। बाबा जी ने फरमाया था ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मंजिल आगे है। खबरदार, किसी एक पुलिस वाले की वजह से हमने अगर बाबा जी के मिशन को यहाँ रोक दिया, हमारी मंजिल, हमारा मुकाबला आलम कुफर से है। दूसरा वीडियो देखें जिसमें मुजाहिरीन लोगों की गाड़ियां तोड़ते नजर आते हैं। इस असेंबली को आग लगा दूंगा, इस असेंबली को। क्या जिनकी गाड़ियां टूटी हैं उनके दिल में इस्लाम के खिलाफ नफरत नहीं पैदा होगी? जब मजहब को सियासत का हिस्सा बनाकर उससे सियासी, माली और माशरती मफादात हासिल किए जाएंगे तो फिर माशरे को अल्लाह, कुरान और नबी की तारीफ और तनकीद से नहीं रोका जा सकता। इसलिए वो लोग जो मजहब को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये गौर करना होगा कि वो मजहब को सियासत में क्यों लाए हैं। वो जिस कदर मजहब सियासत में ज़्यादा इस्तेमाल होगा, उस पर तनकीद भी उसी रफ्तार से होगी। इसे आप रोक नहीं सकते।